हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू ए शाहज यंग आईएएस। हम है स्टैंडर्ड 10 के इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर 1.2 पे, जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी। हमने इसका एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में किया था। वी वेंट थ्रू द होल स्टोरी। आई एक्सप्लेन टू यू क्या सीन है। इट्स अबाउट टू कैरेक्टर्स, अनिल एंड हरी। हरी हु हैपेंस टू बी अ थीफ, यंग बॉय ओनली 15 ईयर्स ओल्ड, अनिल के यहाँ पे रुकता है। अनिल इज अ सिंपल काइंड इजी गोइंग मैन हु इज वर्किंग, ही इज अ राइटर वर्किंग विद अ मैगजीन। और हरी को एक चांस मिलता है कि वो अनिल के घर में चोरी करे। चोरी करते करते उसका उसका कॉन्शियंस उसको अलाउ नहीं करता है, बिकॉज अनिल की कंपनी में रहकर वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। कैसे वो वापस आता है, अनिल नोटिस करता है कि कुछ पिछली रात को उसने ऐसा किया, बट अनिल चूज करता है कि वो उसको एम्बेरस या इंसल्ट ना करे, उसका सीक्रेट बाहर ना निकाले, और उसको फिर ओपनली अपने साथ ले लेता है। इन शॉर्ट, ये स्टोरी है अनिल और हरी की, कैसे हरी अपना एटीट्यूड, अपनी लाइफस्टाइल अनिल के साथ उसकी कंपनी में रह के इन्फ्लुएंस होके चेंज करता है। राइट, दिस इज हाउ द स्टोरी गोज। वी आर गोइंग टू डू नाउ द क्वेश्चन एंड आंसर्स, इंग्लिश वर्कशॉप, कंप्लीट द वेब डायग्राम, अनिल्स वर्चूज, हरीज वाइसेस। वर्चूज का मतलब है उसकी पॉजिटिव ट्रेट्स, उसकी अच्छी बातें। वाइसेस का मतलब है उसकी नेगेटिव ट्रेट्स, उसकी बुरी बातें। अनिल के वर्चू हमको चार बताने हैं, हरी के वाइसेस हमको चार बताने हैं। अनिल के वर्चूज क्या हो सकते हैं? एक तो अनिल इज काइंड, अनिल इज जेनरस। जब पैसे मिलते हैं तो वो पैसे खर्च भी कर देता है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा होर्ड नहीं करता है, तो उसका दिल बड़ा है। ही इज जेनरस, काइंड है वो हरी के साथ। हरी उसके उसके पास जब आता है, उसको अप्रोच करता है, तो काइंडली उसने उसको रिएक्ट किया। ही और क्या दो उसके वर्चूज हो सकते हैं? ही इज नॉन जजमेंटल, विच मीन्स दैट उसने हरी को उसके उसके कैरेक्टर या उसके एटीट्यूड पे कभी जज नहीं किया। एंड ही इज हेल्पफुल, राइट, थोड़ा वो हरी को हमेशा हेल्प, उसको पढ़ाई में उसने हेल्प किया, उसको मैथ में हेल्प किया। ही हेल्प हिम टू मेक टू राइट होल सेंटेंसेस, फिर उसको खाना पकाने में हेल्प किया। सो अनिल इज फॉर अनिल के अगर हम वर्चूज देखें तो ये है। हरी के वाइसेस, हरी के नेगेटिव ट्रेट्स क्या है? एक तो ही इज डिसऑनेस्ट, और यू कैन से ही इज इनसिंसियर, और यू कैन से दैट ही इज अनट्रूथफुल, झूठ बात करता है, सही बात नहीं करता है, दैट इज वन ऑफ हिज वाइसेस। दूसरा दैट ही इज फेक, ही उसके उस शुरू में उसने थोड़ा एक्टिंग करके अपना बात बनवाने के लिए, अनिल के साथ दोस्ती करने के लिए या उसके गुड बुक्स में आने के लिए उसने किया। दूसरा, तीसरा ये कि ही इज इम्पल्सिव। इम्पल्सिव का मतलब है कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना, तो उसने रियलाइज नहीं किया, कुछ उसने सोचा नहीं और उसने चोरी कर लिया, बाद में उसको रियलाइज हुआ दैट ही प्रोबेबली शुडंट हैव डन दैट, राइट। और चौथा, हरी का वाइस क्या हो सकता है? टेक सम टाइम टू थिंक। हरी के और क्या कैरेक्टर्स आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लगते हैं जो कि नेगेटिव है? और हरी है बहुत ज्यादा कनिंग, बहुत ही ज्यादा स्लाई, बहुत ही ज्यादा श्रूड, चालाक, ठीक है, तीनों का मतलब है चालाक। नाउ लेट्स मूव ऑन। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रेज गिवन बिलो इन द सेंटेंसेस दैट फॉलो। ये सब आपको ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पे छह सेंटेंसेस है। आउट ऑफ द सिक्स यू हैव टू, ईच वन इज फॉर वन ऑफ देम, सो पिक द राइट आंसर फ्रॉम हियर एंड राइट इट डाउन। सो टेक अ पेंसिल एंड राइट इट इन योर टेक्स्ट बुक ओनली। आई डैश द स्कूल गेट व्हेन आई हर्ड द स्कूल बेल रिंग। डैश्ड टू, डैश टू मतलब एकदम स्पीड में जाना, जैसे हम कहते हैं द कार डैश्ड इन टू द ट्रक, मतलब के बहुत स्पीड में थी वो और ट्रक से जाके टकरा गई। सो डैश टू, जैसे ही स्कूल बेल बजती है द स्टूडेंट आई डैश टू इट। ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ माय पेट डॉग माय डैश व्हेन डैड गॉट मी अ न्यू पप। माय डैश व्हेन डैड गॉट मी अ न्यू पप, मेरा पेट डॉग मर गया, उसके बाद माय फादर गॉट मी अ न्यू पप, पपी। तो क्या हुआ? माय स्पिरिट्स रोज, स्पिरिट्स रोज मतलब आपको फिर उम्मीद आ गई, फिर आप होपफुल हो गए। तो माई स्पिरिट्स रोज, पहले मैं बहुत उदास था लेकिन जब नया पपी देखा मैंने जो मेरे डैडी ने लाया, माई स्पिरिट्स रोज। थर्ड, डू नॉट स्टूप टू डैश जस्ट गेन समथिंग फ्रॉम समवन। डू नॉट
स्टूप टू फ्लैटरी, किसी से आपको कुछ काम है तो आप ज्यादा अच्छे बने, आप ज्यादा मीठी बातें करें, आप ज्यादा उनको चने के झाड़ पर चढ़ाए, उसको कहते हैं फ्लैटरी करना, किसी को फ्लैटर करना। तो किसी को इतनी इतना आप मत तो किसी की फ्लैटरी करो कि क्यों जस्ट आपको उसके से उससे कुछ चाहिए, कुछ काम हो, कोई मतलब हो, राइट, फ्लैटरी। नेक्स्ट, द आर्टिस्ट कंप्लीट्स हिज पेंटिंग्स डैश, द आर्टिस्ट कंप्लीट्स हिज पेंटिंग्स डैश बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। कोई रेगुलर टाइम पीरियड नहीं है, इरेगुलर है, जब उसकी होती है तब करता है। तो फिट्स एंड स्टार्ट्स, हमने ऊपर देखा था कि अनिल पैसे कमाता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो हियर द क्राइम वेंट डैश फॉर 11 years, द क्राइम वेंट अनडिटेक्टेड, मतलब किसी ने, किसी को पता ही नहीं चला कि किसने किया था। अनडिटेक्ट करना मतलब, डिटेक्ट करना मतलब जान लेना कि किसने किया, अनडिटेक्ट उसका ऑपोजिट है जिसका मतलब है कि नहीं पता चला कि किसने किया था। 11 साल तक अनडिटेक्टेड, नोबडी नो। व्हेन द बेबी सॉ इट्स मदर इट गेव एन डैश स्माइल, इट गेव एन अपीलिंग स्माइल, अट्रैक्टिव, बहुत प्यारी, राइट। लेट्स मूव ऑन, नंबर 3, फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट द कॉलोकेशन फॉर द फॉलोअर। यहाँ पे अभी 7 दिए है, यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द टेक्स्ट, विच मीन्स कि हमको जाके देखना पड़ेगा। डैश डॉग, अब ये कौन सा सीन है, जब पहली रात हरी ने खाना बनाया वो इतना अच्छा नहीं था तो अनिल ने उस किसको दे दिया, ओके हियर विल सी इट, अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, सो द आंसर विल बी स्ट्रे। Got it? So you go here and write stray dog. Dash man. Dash man. Poor man. Kaisa man? Poor man. Okay. Ticket dash. Ticket. टिकट ऑफिस, ये है पेज 10 पे, टिकट ऑफिस। नेक्स्ट, डैश स्लोली, डैश walked slowly, ठीक है, slowly के पहले आएगा walk, this is again page 10, then next, dash drizzle, light drizzle, this is page 11 now, light drizzle, drizzle मतलब हल्की हल्की बारिश। Dash sentences. Whole sentences, page 11 पे whole sentences, and last में spirits, dash spirits, it's here, my spirits rose, my spirits rose, डैश स्पिरिट्स है, स्पिरिट्स के पहले आएगा माय स्पिरिट्स, ओके।
Complete the compound words from the story. Oil dash, easy dash, moon dash, 50 dash, dash, tower. I want you to go through that, see if you can find out, and then I'll come back and give you the answers. Okay? Okay, let's move on. Complete the compound words from the story. Oil dash, 50 dash, easy dash, dash tower, moon dash. ठीक है, हम एक एक करके करेंगे. Oil dash. Let's go above and figure out. यहाँ पे जब वो कहता है उसको पैसे मिलते हैं, वो कहता है मैं तो अरब रिच हो जाऊंगा क्योंकि उनके पास इतना सारा ऑयल है, मैंने लास्ट सेशन में बताया था. ऑयल रिच, ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये सारे आंसर्स बस उसी पेज में है. 50 dash. सो ऑयल रिच 50 rupees, इजी गोइंग, क्लॉक टावर, मून लाइट. अभी हम ये तीन देखेंगे, राइट. 50 rupee, मून लाइट, क्लॉक टावर, ऑयल रिच, ठीक है. And the last one is easy going, right? Now we are going to go to the next question, which is pick out from the story 3 or 4 examples of code mixing, Indian words used in English. तो तीन या चार हमको बताने हैं. एक तो जुमना स्वीट शॉप is not an English word, Indian नाम है. दूसरा is come down a little bit. लखनऊ एक्सप्रेस, लखनऊ इज इन इंडिया सो इट्स इन इंडियन. और तीसरा है मैदान, ठीक है. एंड बाजार, बाजार इज ऑल्सो एन इंडियन हिंदी वर्ड विच इज यूज्ड हियर, ठीक है. लेट्स मूव ऑन. रीड द स्टोरी केयरफुली एंड कंप्लीट द टेबल. टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? दो है. नेम्स हरी सिंह एंड अनिल. एज बतानी है उनकी. फिजिकल अपियरेंस, अर्नड मनी बाय, पैसे कैसे कमाते हैं, और उनकी कुछ क्वालिटीज. तो कौन है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स? दो. सबसे पहले हम अनिल का नाम लिखेंगे. अनिल, उसकी एज है 25. फिजिकल अपियरेंस अनिल का है, ही इज टॉल, ही इज लीन विद अ क्लियर अनलाइंड फेस. फेस पे बिल्कुल उसके रिंकल्स या कोई तरह की यू नो मार्क्स या कुछ नहीं. इज अ क्लियर फेस. अर्नड मनी बाय, ही वाज राइटिंग फॉर मैगजीन्स एंड राइटिंग बुक्स. ही वाज अ राइटर, ही वाज राइटिंग फॉर मैगजीन्स, राइटिंग बुक्स. क्वालिटीज उसकी ऐसी है दैट ही इज फॉरगिविंग, ही इज नॉन जजमेंटल, ही इज काइंड, ही इज सिंपल, इजी गोइंग, जेनरस, यू नो. दूसरा नाम लिखेंगे हरी का. ही इज 15 years old. ही इज थिन विथ मेनी स्कार्स ऑन द फेस. स्टीलिंग और चीटिंग करना उसका पैसे कमाने का तरीका है. स्टीलिंग एंड चीटिंग. एंड क्वालिटीज आर दैट ही इज कनिंग, ही इज श्रूड, ही इज अनट्रूथफुल, ही इज अनग्रेटफुल, ही इज कनिंग, ही इज इनसिंसियर, ही इज डिसऑनेस्ट, ही इज अ लायर, एंड ही इज ऑल्सो वेरी ग्रीडी. सो ही वॉन्ट्स अ लॉट ऑफ मनी. दैट्स हिज क्वालिटीज.
Okay, let's move on now. Complete the given sentences. You have to write them. Finish the sentence. It's an incomplete sentence. Anil kept Hari as a cook because Anil kept Hari as a cook because Hari wanted to seek a job. Anil could not pay him, so Anil asked him if he could cook. Hari said that he could, and because he said that he could, Anil kept Hari as a cook. Hari was grateful. Hari was grateful that he found a place to live and he found somebody who could help him learn. Hari continued making money. Hari continued making money when he went to the bazaar to get the daily supplies from the money that Anil would give him every day. Anil didn't hand Hari over to the police. Anil didn't hand Hari over to the police because Anil believed that Hari had a chance to get better, to improve and change. The moral of the story is that the right company and the right influence can leave an impact, and old habits can be dropped and new habits can be cultivated in order to get better. Never judge anybody and try to lend a helping hand to people who seem to be doing wrong. Next, think and write in your own words in your notebook. Now, this is something that you have to think and then write in your own words. Number one, why did Anil employ Hari as a cook although he could not afford to pay him? Anil employed Hari as a cook although he could not afford to pay him because Hari was seeking a job and Anil thought that Hari could learn something at his place and help him in his household chores, especially in cooking. Therefore, Anil employed Hari as a cook. What did Hari learn from Anil in the beginning? In the beginning, Hari learned from Anil the basics of cooking and a little bit of framing sentences and math. Why didn't Anil hand over Hari to the police? What effect would it have on Hari? Hari was only 15 years old. If Anil had handed Hari over to the police, Hari's entire future could have been destroyed. Anil thought that he could train Hari in order to help him get better, and therefore he did not send him to the police. Do you feel Anil's way of handling a thief like Hari was effective? Justify your answer. I feel that Anil's way of handling a thief was effective because here in this case, the thief was a young boy, only 15 years old. Had Anil handed Hari to the thief, to the police, Hari's entire future would have been destroyed. Anil, in his own way, tried to help Hari realize without judging him and making him embarrassed that his habits can be dropped and are harmful to him. With the help of education, Anil helped Hari understand and learn that an educated man can be smart, reputed and also successful and rich. Hari was running after money, but Anil taught him in his own way that money is not everything because it comes and it goes. What tact had Anil used to change Hari's dishonest ways? Anil had a clue that Hari was being dishonest and cheating every day when he went to the bazaar to get the daily supplies. Anil chose to not directly tell him that he knew that Hari was cheating, but instead Anil somehow indirectly and very subtly let Hari know that Anil is aware and he's still not judging him. So Hari's dishonest ways were tackled by Anil being honest and sincere in his efforts. Anil in the end also told Hari that now he was going to get paid, and he handed him a note which was damp from last night from Hari's own pocket. Hari realized that Anil already knows, and he was very grateful that Anil did not embarrass him or abuse him or blame him or put him into accusation. So this is how Anil helped Hari tackle his dishonest ways. And the smile came by itself without any effort. Say why? When do people give fake smiles? People give fake smiles when they are insincere in their efforts and they are dishonest in their actions, and when they are trying to please somebody. So in the first scene when we saw that Hari and Anil met,
Hari gave a fake smile because he wanted to make an appealing impact on Anil so that Anil could take him home and hire him and keep him with him. In the end, we see that how things have changed and Hari has now become a different person. And when he says, and the smile came by itself without any effort, this shows that Hari's fake attitude, fake smile, fake gestures were now completely transformed into honest and sincere efforts. So his smile also came out very honestly. So when people are sincere in their intentions and efforts, it shows on the outside and therefore they smile very genuinely, very honestly. They don't have to put any effort. Write a character sketch of Hari Singh with the help of the following points using a paragraph format. So Hari Singh's background, his dishonesty, his aspiration, aspirations ka matlab hai, his dreams and ambitions and goals, his courage to change himself. So Hari Singh's background, Hari Singh was a 15-year-old boy who was a thief and had spent all his childhood stealing and running away from people and police. He was dishonest and insincere and he had approached Anil in order to steal something from his house while taking him into his confidence. He aspired to be rich and so he wanted to earn a lot of money so that he could live a comfortable life, but he did not want to work hard. He also thought that he wasn't very educated, so there was no chance for him to change. But then when he found Anil, he had the courage, he realized that education can really change and do wonders for us. If we are educated, we earn respect, we earn a lot of knowledge and we become successful and also rich. So Anil helped him and gave him the courage to change himself, and that's how Hari Singh changed from a little boy who was a thief to then somebody who was growing up to be really responsible and sincere. Next, frame WH questions to get the answers underlined below. Change the first person pronoun to the second person wherever necessary. First person pronoun matlab I ko hum change kar sakte hain. You bana sakte, they bana sakte, agar humko lage to. Number one, I hurried back to the room. Abhi to the room underlined hai, matlab aisa sawal karna hai jiska jawab ho to the room. So hum puchenge, where did you hurry? To answer milega, I hurried back to the room. Sawal hai, where did you hurry? WH question hai wo bhi. Where did you hurry? Answer will be, I hurried back to the room. Second, I had made a study of men's faces. What did you make a study of? What did you make a study of? The jawab aayega, I had made a study of men's faces. Next, I drew them out without a sound. How did you draw them out? I drew them out without a sound. Now, WH question, please note kijiye, you can have how in it ko included hai usme. The poor man showed acceptance. Ab yahan pe answer hoga poor man. Theek hai, sawal aisa karna hai jiska answer ho poor man. Who showed acceptance? WH. Who showed acceptance? The poor man showed acceptance. Next, I made tea in the morning. Jawab hona chahiye in the morning. When did you make tea? So jawab milega, I made tea in the morning. Clear? Now last thing for today. Imagine that Anil catches Hari red-handed when Hari is stealing the money from under the mattress. Compose a short dialogue between the two which reflects Anil's shock and Hari's repeated apologies. तो हम ऐसे बताएंगे कि अनिल हरी अनिल हरी अनिल का कुछ कह रहा है फिर हरी जवाब दे रहा है तो सबसे पहले अनिल व्हाट हरी व्हाट आर यू डूइंग हरी हरी ओह आई एम सो सॉरी अनिल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कवर इट अप फॉर यू आई वाज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू एडजस्ट योर मैट्रेस अनिल डोंट लाई हरी आई कैन सी दैट यू जस्ट ट्राइड टू स्टील ऑल माई मनी फ्रॉम अंडर द मैट्रेस हरी No, Anil, trust me, I've been living with you for so long. Why would I do that? No, I'm your friend. I wouldn't ever do that. Anil, Hari, if you admit, I will not take you to the police. But if you keep lying, I will have to take a very serious action. Hari, I'm sorry, Anil. I'm really sorry. I don't know what to say. I was getting carried away. I just wanted to make some quick money and that's why I tried to. Anil. It's okay, Hari. I'm glad that you admitted. Tell me something. Do you think that stealing would help you in any way? I'm sorry. I really regret it. I realize that I want to be educated.
I want to be successful and I want to be reputed. I don't want to fall into these, I don't want to fall stoop and fall so low and do these kinds of behaviors. Please help me, Anil. Anil: Of course, Hari, I've been with you and I'm going to help you further. I'm happy that you want to drop this habit of yours and stop stealing from now onwards. You're still very young. You have a whole future ahead of you. Don't worry. Once you train yourself, your future will be bright. Thank you so much, Anil. I knew you'd understand. I'm glad that you saw me like this. I'm glad that you caught me, because if you hadn't caught me, I would have been really carried away and done something grave and really harmed my future. It's okay. I am shocked. I was disappointed, but I'm happy and I appreciate that you are being honest now. And from now on, you will always be honest. Don't worry, I will help you. ठीक है, ये शॉर्ट हमने डायलॉग बनाया फॉर अनिल एंड हरि. एक और बार आप चाहे तो सुन लेना इसको एंड देन ट्राई टू कंपोज समथिंग ऑन योर ओन एंड एड सम ऑफ योर ओन बिट्स. ओके, इट कैन बी लॉन्गर, द लॉन्गर द बेटर, बट नॉट टू लॉन्ग. ठीक है, इन्होंने कहा है शॉर्ट पैराग्राफ, विच मीन्स दैट इट शुड बी अराउंड 8 to 10 लाइन्स. ठीक है, उससे ज्यादा नहीं. ओके, अभी हम अगली बार मिलेंगे तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर. अंटिल देन, गो थ्रू दिस अगेन एंड स्टार्ट मेकिंग नोट्स एंड प्रैक्टिस कंपोजिशन एज मच एज यू कैन, सो दैट वे यू आर ऑल्सो गोइंग टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. ऑल राइट, आई सी यू. सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स.